Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about idioms. Students, in previous video we have already read about some idioms. I hope you all have watched that part of the video. Okay, let's start idioms. Definition is ki recall karo. An idiom is a phrase which has a different meaning from the meaning of its components. Idiom jo hai wo ek phrase hota hai which has a different meaning. Jiska meaning डिफरेंट होता है उसके कंपोनेंट से. इडियम इज अ फ्रेज व्हिच हैज डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. इसके कंपोनेंट से इसका मीनिंग आपको अलग ही मिलेगा. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द सम एग्जांपल्स. ब्रिंग टू माइंड, टू रिकॉल. ब्रिंग टू माइंड का मतलब रिकॉल, रिकॉल करना, किसी चीज को माइंड में लाना, याद करना. ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल. डोंट ब्रिंग द पास्ट टू माइंड इफ इट डिस्टर्ब्स यू. इट मींस अपने पास्ट को माइंड में कभी मत लाओ इफ ये आपको डिस्टर्ब करता है. डोंट ब्रिंग द पास्ट टू माइंड. ओके, तो ब्रिंग टू माइंड मींस टू रिकॉल. ठीक है, डोंट ब्रिंग द पास्ट टू माइंड इफ इट डिस्टर्ब्स यू. अवर सेकेंड एग्जाम्पल इज फेयर वेदर. इडियम इज फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स सेल्फिश. फेयर वेदर फ्रेंड क्या होते हैं? सेल्फिश. सेल्फिश फ्रेंड होते हैं ना, जो केवल अपने मतलब के लिए ही आते हैं. तो फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स सेल्फिश. डू नॉट डिपेंड अपॉन फेयर एंड वेदर फ्रेंड्स. आपको जो भी आपके फेयर एंड वेदर मीन्स जो भी सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. फियर एंड वेदर मीन्स सेल्फिश. नेक्स्ट idiom इज द एपल ऑफ वन्स आई. हिंदी में भी पढ़ा होगा आपने, आंखों का तारा बहुत प्यारा है ना. द एपल्स, द एपल ऑफ वन्स आई मीन्स डियर. जो आपको बहुत, जो आपके लिए बहुत प्यारा है, जो आपको बहुत प्यारा लगता है. शी वॉज द एपल ऑफ हर मदर्स आई. कि वो अपनी मदर की आंखों का तारा है. वॉज द एपल ऑफ वन्स आई. टूथ एंड नेल विद ऑल माइट. टूथ एंड नेल मींस विद ऑल माइट. वी शुड फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर राइट्स. वी शुड फाइट टूथ एंड नेल फॉर आवर मीन्स हमें अपने राइट्स के लिए टूथ एंड नेल मीन्स हर तरीका अपनाना चाहिए उनसे, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, राइट्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए. फेयर एंड स्क्वेयर ऑनेस्ट. फेयर एंड स्क्वेयर ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, जो बिल्कुल ईमानदार होता है. एग्जाम्पल, वी शुड बी फेयर एंड स्क्वेयर इन आवर डीलिंग्स. हमें अपनी डीलिंग्स के साथ जो है, जो भी हम डीलिंग करते हैं दूसरों के साथ, उसमें ईमानदार रहना चाहिए. ठीक है, फेयर एंड स्क्वेयर रहना चाहिए मीन्स ऑनेस्ट रहना चाहिए. बाय नो मीन्स इन नो वे. बाय नो मीन्स मतलब किसी भी तरीके से नहीं. बाय नो मीन्स इन नो वे. आई शैल हेल्प यू बाय नो मीन्स मीन्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इन नो मीन्स किसी भी तरीके से. इन नो वे मीन्स किसी भी तरीके से. बाय नो मीन्स मीन्स इन नो वे. टू डांस टू द ट्यून ऑफ. टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ समवन मीन्स एक्ट करना अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ समवन. किसी की विशेस के अकॉर्डिंग एक्ट करना, ठीक है, काम करना मीन्स टू डांस टू द ट्यून ऑफ. To act according to the wishes of someone. He is in the habit of dancing to the time of his boss. Means उसे जो है habit है किसकी? Dancing to the time of his boss. To dance to the tune of, to act according to the wishes of someone. Means उसे भी habit है किसकी? Dancing to the time of his बॉस. क्लियर? तो स्टूडेंट, ये थे आपके कुछ idioms. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. We will recall again. An idiom is a phrase which has a different meaning from the meaning of its components. Idiom एक phrase होता है जिसका meaning different होता है उसके
कंपोनेंट से एज यू कैन सी ब्रिंग टू माइंड टू रिकॉल डोंट ब्रिंग द पास्ट टू माइंड इफ इट डिस्टर्ब्स यू. अपने पास्ट को कभी भी माइंड में मत लाने दो, रिकॉल मत होने दो इफ ये आपको डिस्टर्ब करता है. ब्रिंग टू माइंड मींस टू रिकॉल. फेयर एंड बेटर फ्रेंड सेल्फिश, ठीक है, जो मतलबी फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ मतलब के लिए ही आपसे बात करते हैं, जब काम पड़ता है तभी ही आते हैं. फेयर एंड वेदर मीन्स सेल्फिश. डोंट डिपेंड अपॉन फेयर एंड वेदर फ्रेंड्स. आपको जो है फेयर एंड वेदर फ्रेंड्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए. द एप्पल ऑफ वन साइड डियर, किसी की आंखों का तारा जो बहुत प्यारा, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर के लिए क्या होते हैं, एप्पल ऑफ वन साइड, बहुत प्यारे होते हैं. She was the apple of her mother's eye. Tooth and nail with all might means हर तरीके से. We should fight tooth and nail for our rights. कि हमें अपने rights के लिए जो है fight करनी चाहिए, लड़ना चाहिए. Anyhow, किसी भी तरीके से. Fair and square, honest. We should be fair and square in our deal. आपको जो है अपने डीलिंग्स के साथ हमेशा फेयर एंड स्क्वेयर रहना चाहिए, मींस ऑनेस्ट रहना चाहिए. बाय नो मींस इन नो वे. आई शैल हेल्प यू बाय नो मींस मींस किसी भी तरीके से नहीं. आई शैल हेल्प यू बाय नो मींस मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी हेल्प करूंगा. टू डांस टू द ट्यून ऑफ, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ समवन, किसी की विशेस के अकॉर्डिंग एक्ट करना. ही इज इन द हैबिट ऑफ डांसिंग टू द टाइम ऑफ हिज बॉस. उसे जो है हैबिट है डांसिंग टू द टाइम ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग, अपने बॉस की विशेस के अकॉर्डिंग. तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ idioms. आई होप अब आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.